Are you okay? Is there any problem? I can solve it for you, like. अरे नैनी, तुम मुझे बता सकती हो उसका कोई बात है तो? My father has told me not to talk to strangers. You're right. Actually, your father is also right. You should not talk to strangers, right? ना बचना भी तो है, और बचना भी नहीं रहता। I mean, I think I can talk to you. Thank you so much. वैसे तुम्हारे जो फादर ने कहा है ना कि स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे फादर ने बिल्कुल सही कहा है। अब तक we were strangers, right? मेरा नाम आनंद है और आपका नाम? I'm Pari. अब आप ये कहेंगे कि अब हमारे नाम एक्सचेंज हो गए, अब हम स्ट्रेंजर्स तो रहेंगे, राइट? I tell you, you are an intelligent girl, हाँ? अच्छा, परी, परी मैं जब पार्क में आया, यहाँ बेंच पे बैठा, I noticed you were not fine. तुम वरीड थी, परेशान थी, क्या बात? You can tell me. कैसे बैठ आप ही थे, आप बताइए। तुम ना बहुत छोटी हो, तुम नहीं समझोगे। इतनी भी छोटी नहीं हूँ। ओके। एक्चुअली वही सेम पुरानी प्रॉब्लम जो होती है ना, व्हेन यू गेट यू हैव अ पर्सन इन योर समझ गई। प्लीज लाइक समझ गई। आंटी सिविल सो इंटेलिजेंट। सही जवाब। आप केबीसी में क्यों नहीं जाती? सारे के सारे जवाब सही दोगे। और जवाब तो क्या, मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चन भी तुम ही दोगी। हाँ एक्चुअली ना हमारे बीच में आजकल झगड़े होने लग गए। कोई बात नहीं, होती रहती। ये जो एडल्ट होते ना, बहुत फाइट करते, स्पेशली मैरिड बॉयज, वो तो हमेशा झगड़ते रहते। हाँ, हम बिल्कुल झगड़ा नहीं करते। हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा कभी कर लेते हैं, आई मीन कभी कभी हो जाता है। अच्छा बाबा, आजकल ना थोड़ा रेगुलर बेसिस पे झगड़े हो रहे, तो सच बताओ ना, आज मैं इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैंने तो कड़ी छोड़ा। क्या बोल रहे हो तुम? मतलब तुमने घर क्यों छोड़ा? अरे तुम छोटी हो, ऐसे नहीं बोलते। क्यों क्यों घर क्यों छोड़ा? अरे इसने छोटा क्या? वैसे भी मेरे जो पेरेंट्स है ना,
They don't understand me. But actually, I should not blame them, na. मैं खुद भी ना बहुत ओवर रिएक्ट करती हूँ, बिल्कुल ड्रामा क्वीन हूँ, स्टुपिड क्वीन और इमोशनल फूल भी हूँ। राइट, मेरी भी वाइफ ना बिल्कुल मुझे अंडरस्टैंड नहीं करती, और मैं भी ना स्टुपिड हूँ, ओवर रिएक्ट कर देता हूँ, ड्रामा किंग की तरह। सच में ना मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये आपने मेरी लाइन कॉपी कर ली। मेरी लाइन? ओह, वो मैं ना राइटर हूँ ना, इसलिए आई होप तुम्हारी इस लाइन में कोई कॉपीराइट नहीं था। भैया अगर कॉपीराइट हुआ ना तो मैं तो गया। तुम्हें कुछ ओरिजिनल सी लाइन सुनाऊं? सुनाइए। देखो क्या ओरिजिनल क्रिएटिविटी ना अंदर से आती है। यू कंप्लीट मी। अगर यही मेरा मेरा नहीं मेरी बीवी सोचती ना तो बात ही क्या होती। यू कंप्लीट मी इज द लाइन, दिस इज द थ्री वर्ड सेंटेंस जो कंप्लीट करता है यू कंप्लीट मी। क्या अमेजिंग ओरिजिनलिटी है ना आपकी। जेरी मैग्वायर ने भी यही कहा था, पता नहीं कैसे जेरी मैग्वायर के पास भी चली गई, उनकी लाइन है ये। तुमने वो फिल्म देखी है? ऑब्वियस, किसने नहीं देखी है। वो क्या है कि इसको इंस्पिरेशन कहते हैं। हाँ। अब लेकिन यार ये बात तो मजाक की हुई। I don't know what to do. क्या किया जाए कि समझ नहीं आ रहा। Actually, I know. What do you know? What to do? क्या करें? One word. What is your one word? Sorry. Sorry. Actually, you know, you should feel sorry by saying sorry. हमें कभी भी ना अपने फैमिली को वो ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि किसी भी चीज की अहमियत तभी पता चलती है तो हम उसे खो देते हैं। You should feel sorry by saying sorry. हमें खुद से ये प्रॉमिस करना चाहिए कि ये जो गलती हमने करी है वो हम दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। यू आर वेरी राइट, वेरी वेरी राइट। क्या करना चाहिए? टिंग टिंग फोन है। हाँ है, एक काम करता हूँ, मैं टिकट कर चलता हूँ। अगर घर गया तो? अरे अभी अभी वो बहुत गुस्से में होंगी ना, अभी पहले उन्हें चिल कर दो, कूल कर दो। Right now she is very hot, boiling hot. लेकिन ये चीज मैं ही क्यों करूँ? सॉरी, तुम्हें भी बोलना चाहिए। मेरे पास फोन नहीं है। मेरे पास है, लेडीज फर्स्ट ना। कॉल कॉल कॉल, लेट्स सी क्या बोलती हो तुम। ना ना, पहले आप करो, देखो तो सही क्या बात कर रही हो। एंड आई शुड बी अश्योर्ड, बात करो सीधे घर जाओ। हाँ, इम्पोर्टेंट कॉपी करनी है। पापा मैं परी बोल रही हूँ। I'm sorry पापा। I know मैंने आपको हर्ट करा है, लेकिन मैं कहीं भी नहीं गई हूँ, मैं यही हूँ। आपके पास हूँ पापा, मुझे ऐसे घर नहीं छोड़ना चाहिए, और मैं घर आऊंगी, मैं अभी घर आ जाऊंगी थोड़ी देर में, मैं फिर ऐसे कभी भी नहीं करूंगी। I'll never let you down, पापा।
नहीं, मैं कहीं नहीं गई, मैं यही है, मैं आपके पास हूँ, मतलब मैं घर के पास हूँ पापा, और मैं आ जाऊंगी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आप अपना ध्यान रखोगे ना? हाँ ना, मैं आ गया ना, मैं आ रही हूँ। और मम्मा ठीक है? हाँ, मम्मा को भी बोल दो मैं आ रही हूँ। आती हूँ, मैं मना लूंगी, मैं सबको मना लूंगी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो जरीन पैसे नाराज हुए वो? थोड़े से होंगे, बट आई मैनेज। गुड। नहीं, नाउ योर टर्न। और मैम, मैं ना घर जाके उसे पटा लूंगा, बहुत इजी है कुछ, या तो पेस्ट्री वगैरह कुछ ले। कॉल अभी। डाल दिया है। हेलो, थैंक यू तुमने फोन उठाया। नहीं, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं बहुत दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ, और मैं कहना चाह रहा था कि प्लीज डोंट वरी, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ बिल्कुल हमेशा, मैं घर आऊंगा, तुमसे भी सॉरी कहूंगा, और मैं माफी मांगता हूँ, माफी। मैं ना, मेरे जीवन में बहुत, मैं मानता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें बर्दाश्त, सॉरी, मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा, तुम मुझे सहन कर रही हो। हेलो, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। हाँ, आसी हूँ मैं, कहीं दूर तो ना जाऊंगा तुम्हारे, बिल्कुल दिल के करीब, आई मीन दिल के करीब तो हूँ, मतलब मैं पास में जो पार्क है ना वही बैठा हूँ। हाँ, अभी आता हूँ मैं, तुम नाराज तो नहीं हो ना अभी? आया, रिपोर्ट। अरे हेलो, नमस्कार जी, मैं आनंद बोल रहा हूँ। एक्चुअली आप मुझे नहीं जानते, आपकी बेटी अभी मेरे साथ में थी, मैं यहाँ पार्क से ही बात कर रहा हूँ। वो हुआ यूँ कि वो उसने आपका आपको फोन लगाया था मेरे सामने, मतलब मेरे मोबाइल से, तो मैं अपनी बातों में बिजी हो गया, मैंने देखा कि वो थी नहीं, घर जाने के लिए बड़ी एंशियस थी, सो मुझे लगा मैं आपसे बात कर लूँ और एक बार इन्फॉर्म कर दूँ कि डोंट वरी, फील बी एट होम, और मेरे ख्याल शायद पहुँचने वाली होगी वो। जी, कैसे बातें कर, मैं बकवास नहीं कर रहा जी, मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी बेटी मेरे साथ अभी थी थोड़ी देर पहले, और उसने आपको फोन किया है आपको सॉरी बोलने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, आपको सॉरी बोलने के लिए फोन किया है, और आप बोल रहे हैं? हाँ, मैंने लास्ट डायल नंबर पे कॉल किया, वो नंबर उसके पापा का था, परी के पापा का।
उन्होंने ही मुझे बताया। आज ही के दिन ठीक एक साल पहले परी हम सब को छोड़ के जा चुकी थी एक्सीडेंट में। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है परी से बेटर कोई नहीं बता सकता था। सरल शब्दों में परी ने सब कुछ मुझे समझा दिया था, जीने के माने समझा दिए थे। तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने की बात कर रही हूं। मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, जा रहा हूं। फिर तुम जा रहा हो, तुम्हारी बेटी जाने, छोड़ दूंगा इस घर को मैं। I'm sorry, बाबा, तुमसे तो बात करने ही बेकार। Actually, you know, you should feel sorry by saying sorry. हमें कभी भी ना अपने फैमिली को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अहमियत तभी पता चलती है तो हम उसे खो देते हैं। You should feel sorry by saying sorry. हमें खुद से ये प्रॉमिस करना चाहिए कि ये जो गलती हमने करी है वो हम दोबारा कभी नहीं दोहराएं। I'm sorry बेटा, I'm so sorry। पापा ना सच्ची पागल है, पापा ने मम्मा को ना थोड़ा सा नाराज कर दिया। आपको लगता है कि वो फॉरगिव करेंगे? मुझे समझना चाहिए पापा।